हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन्स। गाइस, आज के एडिटिंग में हम लोग कुछ इस टाइप से एलो एंड ग्रे टोन में फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे लाइट रूम अप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसा ही न्यू वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। So guys, सबसे पहले Lightroom एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड करेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो Lightroom में ऐड हो चुकी, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारी फोटो इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो Lightroom एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी एंड एडिटिंग का ऑप्शन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +21 एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, तो टेंट की वैल्यू को कर देंगे हम +6 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, वाइब्रेंस की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +20 एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो सेचुरेशन की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +30 एंड नेक्स्ट आते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -16 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्क्रीन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +16 एंड नेक्स्ट आते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को करेंगे हम +15 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से करेंगे हम -60 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +46 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को करेंगे हम +100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो में येलो टोन है वो थोड़ा हाईलाइट लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को कर देंगे हम +44 एंड नेक्स्ट आते हैं सियान कलर पे एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड नेक्स्ट आते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट आते हैं ग्रेडिंग का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाला ऑप्शन पे, जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन। तो गाइस, इस पे क्लिक करेंगे एंड अपने फिंगर की सहायता से फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से मिलाने का कोशिश करेंगे, जैसे मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस, इसकी ह्यू है 231 एंड सैचुरेशन है 54 एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो ब्लेंडिंग की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +70 एंड यहाँ से वायलेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो वायलेंस की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +21 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट आते हैं लाइट का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम +9 एंड यहाँ से शैडोज़ की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +20। सो गाइस, जो हमारी फोटो है वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और बेटर बनाएंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो क्लैरिटी की वैल्यू को करेंगे हम +36 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें HDR इफेक्ट मिले। तो इसे रखते हैं +12 एंड यहाँ से विनर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो येलो टोन है वो लाइटिंग ही सही लगती है, इसलिए इसे हम -10 ही रखेंगे एंड यहाँ से मिड पॉइंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, तो इसे रखते हैं 40। अब हमारी फोटो को हम शाइनिंग एंड स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल को ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो इसे रखते हैं 21
एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे, तो इस रखते हैं +30। एंड यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है और भी परफेक्ट रूप से स्मूथ रहे। तो फ्रेंड्स हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ ही स्टेप्स है। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।